मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने फोटो निर्वाचक नामावली के कार्यों की संभागीय समीक्षा की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन द्वारा बृहस्पति भवन में उज्जैन संभाग में चल रही फोटो निर्वाचक नामावली के कार्यों की संभागीय समीक्षा बैठक ली है। बैठक में संभागायुक्त संदीप यादव, कलेक्टर आशीष सिंह, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल, उज्जैन संभाग के उपायुक्त राजस्व एस आर नायर, भोपाल निर्वाचन आयोग के प्रोग्रामर विनय देशमुख, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों में वीरेंद्र सिंह दांगी सहित संभाग के अन्य जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी, ईआरओ, पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर आदि उपस्थित थे। अनुपम राजन ने कहा कि मतदाताओं के नाम जोड़ने की सतत प्रक्रिया है और इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। भारत सरकार द्वारा ईपिक के रेशो को तय किया है, उसी आबादी के हिसाब से मतदाताओं के नाम जोड़ने की कार्यवाही समय समय पर की जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कड़ी मेहनत कर अपने अपने जिलों की समीक्षा कर एक हफ्ते में कार्यवाही कर अवगत कराएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने समीक्षा बैठक में ई पिक रेशो, महिला मतदान प्रतिशत, मतदाता सूची में किए गए समरी रिवीजन, नवीन मतदाताओं को वितरित किए जाने वाले ई पिक कार्ड, पोलिंग स्टेशन आदि विषयों पर चर्चा कर संबंधित जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यों की जिलेवार विस्तृत रूप से समीक्षा की। राजन ने निर्देश दिए कि जिलों में अनुमानित मतदाताओं तथा वास्तविक मतदाता की जनसंख्या के मध्य के गैप को नियमित रूप से स्क्रीनिंग कर कम करने का प्रयास किया जाए। पुरुष मतदाता की तुलना में महिला मतदाताओं में जो गैप है उसे भी अनिवार्य रूप से ठीक करने की आवश्यकता है। उक्त कार्यवाही 15 दिन के अंदर पूर्ण की जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों को चिन्हित कर उचित माध्यम से नाम जुड़वाने की कार्यवाही की जाए। नाम जोड़ना, नाम घटाने के आवेदन पत्र जिले में प्राप्त होते हैं, उन आवेदन पत्रों को लंबित न रखा जाए। आज उज्जैन में ग्रेजुअली प्रयास ये है कि संभागीय मुख्यालयों पर जा करके और सुपरवाइजर से बात की जाए। कुछ इशूज हैं जिन पे आपका ध्यान आकर्षित करना है, कुछ आपके मुद्दे हो सकते हैं जो आप बता सकते हैं, आपके सुझाव हो सकते हैं, तो आपके सुझाव भी आप जब हमारा ये जिसने चर्चा करना हो जाएगी उसके बाद आप भी बताइए कि क्या फीडबैक है या प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन में और क्या किया जा सकता है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।